क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिज़ाइनर कुर्तीस के पैटर्न बताऊंगी, जिससे कि अगली बार जब भी आप अपनी कुर्ती को डिज़ाइन करना चाहें या अपने टेलर को कपड़ा देना चाहें तो आप इन सारे डिज़ाइंस को भी एक बार ज़रूर नज़र में रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ गाउन और अनारकली कुर्तीज बताऊंगी जो कि साड़ी से बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला गाउन है ये बांधनी प्रिंट साड़ी से बना हुआ है। ये जो दूसरा वेरिएशन है इसमें डबल लेयर अनारकली कुर्ती है, ये बांधनी प्रिंट और प्लेन फैब्रिक दोनों से बना है। तो आप इस तरह की दो साड़ियां लेके, जो एक प्लेन है और जो बांधनी प्रिंट है, दोनों को कंट्रास्ट करके इस तरह से कुर्ती बना सकते हैं। ये जो एक और आइडिया है ये बहुत ही नया है। ये जो लॉन्ग गाउन है ये साड़ी से बना हुआ है। इसमें जो साड़ी है वो साड़ी का जो मिडिल पार्ट होता है उससे इसका बॉटम बनाया हुआ है, जो घेर है इस अनारकली का, और जो साड़ी का पल्लू होता है इससे टॉप पार्ट बनाया हुआ है। ये अनारकली जो है ये प्लेन सिल्क साड़ी से बनी हुई है जिसमें रेड बॉर्डर है। तो इसमें फैब्रिक बटन या जो बूटी बोलते हैं हम, जो अंदर बीट्स भर के बनाते हैं बूटी, वो टॉप पार्ट में लगी हुई है और इसका जो दुपट्टा है वो नेट फैब्रिक का है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि इस तरह की कुर्ती में मैचिंग दुपट्टा कहाँ से लें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप नॉर्मल प्लेन कलर का जो कॉटन का दुपट्टा होता है वो आप मार्केट से लेके उसको डाई करवा सकते हैं अपने शेड में, जो भी आपको शेड चाहिए होगा। या फिर आप इस तरह की साड़ीज जो सिल्क साड़ीज होती हैं उनके साथ जो बनारसी दुपट्टे आते हैं वो भी बहुत अच्छे मैचिंग जाते हैं। अगर आपके पास मैचिंग दुपट्टा नहीं तो आप कॉन्ट्रास्ट कलर का दुपट्टा भी मैच करके उसमें पहन सकते हैं। और अब ये जो नेक्स्ट है ये पट्टू साड़ी से बनी हुई है, पट्टू सिल्क साड़ी। साउथ में ये बहुत पहनते हैं पट्टू साड़ी। तो इसमें जो है इसकी जो पल्लू की स्ट्रिप है वो टॉप पार्ट में लगाई हुई है, आप देख सकते हैं, और इसी के आजू बाजू जो है गोल्डन कलर के मोती या फिर बीट्स आप बोल सकते हैं वो लगाए हुए हैं। तो ये इस तरह की जो कुर्तियां हैं ये अगले साल भी ट्रेंड में ही रहेंगी। ये बहुत ही क्लासी लुक आता है कुर्तीज़ का। अब ये जो कुर्ती है ये प्लेन साड़ी से बनी हुई है और इसका जो दुपट्टा पल्लू है वो प्रिंटेड है। तो जो प्रिंटेड पल्लू है उससे इन्होंने जैकेट बनाया हुआ है, तो आप अस्तर लगा के जैकेट बना सकते हैं इससे। और इसका जो बॉटम पार्ट है वो सारी जो बची हुई कुर्ती है, बची हुई जो साड़ी का कपड़ा है उससे बाकी बनाया हुआ है कुर्ती का जो बॉटम पार्ट है वो। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई बनारसी साड़ी है, सिल्क की पट्टू साड़ी है, या फिर पैठनी है जो महाराष्ट्र में पहनते हैं, उस तरह की आपके पास कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं जो आप बहुत पहन चुके हैं फंक्शंस में और आप अब नहीं पहनना चाहते, तो आप उनसे इस तरह के लॉन्ग गाउन या अनारकली कुर्तीज बना के एक नया लुक दे के भी पहन सकते हैं ड्रेस को। और इसी तरह से आप अपनी कुर्ती साड़ीज को यूटिलाइज करिए। हम फिर मिलेंगे और भी डिज़ाइनर वियर्स के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अपने फैब्रिक को और अच्छा बनाने के लिए। अगर आप इसी तरह के और डिज़ाइंस या कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।